हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे पशुपालक हैं एक, और यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट यूनिट बनाया हुआ है इनका। वर्मी कंपोस्ट यूनिट ये है, ये 30 फीट इनकी लंबाई है, 20-25 फीट इसकी चौड़ाई है, और इसके अंदर केचुए भी हैं, और अभी इसके अंदर खाद भी बनाया हुआ है। ये रहा, इसके अंदर केचुए भी है, ये रहा केचुआ। ये रहा एक और, बहुत सारा है इसके अंदर। ये खुला है इसलिए ये अंदर नीचे चले जाते हैं। मैं अभी काश्तकार से आपको मिलवा देऊंगी कि यहाँ पे इनकी इसकी लागत कितनी है और इनको अनुदान कितना मिला है। तो आप बताइए इसके बारे में कि आपको इनका अनुदान कितना मिला और लागत कितनी आई और इससे आपको फायदा क्या है। ये इसकी लागत हुई है 1,30,400 रुपये लगभग, और इससे फायदा तो बहुत है, लेकिन पहली बात तो किसी को भी करना है इसके पहले उसके पास पशु होने चाहिए। अगर पशु नहीं है तो ये खाद कहाँ से लाएगा, या तो फिर पत्तियां सड़ा के न करे तो वो एक दूसरा ऑप्शन है। लेकिन हमारे पास तो लगभग 10 बड़ी भैंस है, बाकी छोटे बछड़े 5 है, यानी कि 15 लगभग हैं। और ये हमने 2 साल पहले बनाया, 2019 में बनाया था। तो ये मैडम ने हमने बताया कि ये इसमें इतना इतना अनुदान है ना, ऐसा करने से कुछ फायदे है, तो हमने इसका प्रयोग भी किया, यूज भी किया, फसलों में भी डाला, तो हमें ठीक लगा। ठीक लगा इसमें कोई भी फसल का बोते हैं उसमें अगर मिर्ची भी बो दी तो उसमें भी स्वाद रहता है, उसमें टेस्टी वाली चीज रहती है। और मकई की तो मकई में भी भुट्टे खाने में इतने स्वाद आता है जितना यूरिया डीएपी डालते हैं लोग, इतना नहीं आता है, इतना इसमें टेस्ट है। दूसरी बात, इसमें नाइट्रोजन मिल जाता है, यूरिया की जगह जो यूरिया में भी नाइट्रोजन है इसमें भी मिलता है। डीएपी में डीएपी समझो ये अपने खेतों में डीएपी डाला, लेकिन इसमें खेत भी बंजर नहीं होंगे, फसल भी अच्छी होगी, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, बीमारी भी नहीं होगी। नहीं तो अभी जो ज्यादातर देखते हैं अपन, कैंसर जैसी भयानक बीमारी पैदा हो गई है, जो ज्यादा लोग पशु तो पालन कम रखते हैं, ये गोबर का यूज कम करते हैं और यूरिया डीएपी ये सब दवाइयां डाल डाल के खाना भी ऐसा हो गया जैसे कोई हेल्थ नहीं बन रही। तो हमने तो यही सोच रखा है कि जितनी भी जमीन है इसमें यूरिया नहीं डालें, डीएपी भी नहीं डालें, ये जैविक खाद ही डालें, इसलिए ये सारे बनाए हुए, और भी ज्यादा बनाने की इच्छा भी है। तो इससे अपना परिवार सुखी तो सब सूखे, अगर परिवार में किसी को ऐसी बीमारी लगे तो फिर ये चीज सब क्या काम का, काश्तकार बन के भी क्या फायदा, ये चीज खाने से हुआ तो फायदा क्या। इसलिए जो भी काश्तकार इस चीज को करे तो बहुत फायदे वाली बात है, ना उसको करना चाहिए, मैं तो कहता हूँ। तो देखो, काश्तकार ने बताया कि यहाँ पे इससे बहुत ही प्रॉफिट है वर्मी कंपोस्ट से। तो सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि ये भी वर्मी कंपोस्ट यूनिट बनाए और जैविक खाना खाए और जैविक खेती करें, तो ही जैविक खाना खा पाएंगे। और ये वर्मी कंपोस्ट यूनिट हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत बनाया जाता है, इसकी योजना के अंतर्गत। तो इन मैडम ने यहाँ पे इन काश्तकार को गाइड करके इनके द्वारा बनवाया है। तो मैडम, आप काश्तकार को किस प्रकार आपने गाइड किया और फिर उनके द्वारा बनवाया? और आपके पास पशु अधिक हैं तो ये जैविक खाद बनाने से बहुत फायदा होता है। तो फिर इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? इसकी लंबाई है 30 फीट और चौड़ाई है 25 फीट और गर्मी बेड की ऊंचाई है 2.5 है। देखो, जैसे मैडम ने बताया कि इसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में और इसकी ऊंचाई के बारे में, और तो ये आपके ये हमारे कृषि पर्यवेक्षक है नाथूलाल जी पटेल। तो इसके बारे में आप वर्मी कंपोस्ट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये इनको समझाइश की वर्मी कंपोस्ट इकाई बनाने के लिए ये बनाया, और लगभग 5-6 बीघा में जैविक खेती कर रहे हैं। ये वर्म भी तैयार है इनके, ये अच्छे वर्म है, काफी मेहनत की है इन्होंने,
और 6 बीघा में यहाँ जैविक खेती ये डाल के 2 साल से कर रहे, ये पूरे नीचे खेत है उनमें जैविक खाद का प्रयोग कर रहे हैं। और काश्तकार को बहुत फायदा है, अच्छा। तो मेरा ये सुझाव है कि ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खेती को अपनाने के लिए प्रेरित हो। हमारे यहाँ पे डूंगरपुर जिले को जैविक घोषित किया गया है, और यहाँ पे इस वर्मी कंपोस्ट अगर आप खेत में यूज करते हो तो आपकी 2-3 गुना फसल उत्पादन ज़्यादा होता है, और अगर आप सीधे गोबर की खाद डाल देते हो तो उसमें दीमक लगने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अभी सभी काश्तकारों से मेरा निवेदन है कि आप वर्मी कंपोस्ट खाद का बनाकर फिर खेत में डालें, सीधी गोबर की खाद ना डालें, तो उससे दीमक लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आप सभी को धन्यवाद।